देना भाई, वो राइट देना भाई, भाई देना शंकर बाबू। शंकर भाई क्या ऐसा कर रहे हैं? तू भी मारा थोड़ा सा ना, पोस्टर का पोस्टर बस। कविता दिस साइड छोटी सी उम्र। थैंक यू जल्दी खत्म हो गया मैं बंदे को किधर से मार रहे रही भाई मैं किधर से मार रही मैं सट White line, my 4:35. He's 25. I'm hiding behind you. Yeah, I'm hiding behind you. Sir, I know. I beat you to the draw. चलो घूम जाओ, घूम जाओ, घूम जाओ। कमी तो साफ़ साफ़ अभी का। सर थोड़ा इधर इधर लो ना रही अपन प्रोफाइल पे। अरे रुक ना भाई, सब मिलेगा ना, हर जगह सेंटर नहीं चाहिए ना। हाँ थोड़ा इधर है, जल्दी हो गया भाई, बोला ना जल्दी चालू हो गया। अरे बराबर टाइमिंग पे चालू होगा, आओ थोड़ा थोड़ा पीछे आओ भाई, पोस्टर पूरा क्लियर मार रहा है। हाँ देख पापा जी ने रहता, देख कितना आराम से काम होता है। सर राइट में बहुत बहुत शुक्रिया, कान तरसते हैं वो सुनने के लिए। अरे भारती जी आई, मिस कर दिया, फिर तो उसको दोबारा दिखा दो। भारती की दोबारा कौन देखना चाह रहा है वापस? भारती 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 लोग एक अकेली भारतीय बेचारी देखेगी और अच्छा तो एक और बात। हाँ जी वेरी बट देन दे हैव अ कॉन्टेक्ट नो कम बेबी Parul is directing the show. Okay. We are not. जो सवाल पूछता है उसको बीच में खड़ा होना पड़ता है। नहीं नहीं पॉसिबल नहीं है, आवाज वहां से आएगी, थोड़ा काम करना पड़ेगा। इसको थोड़ी हाइट दे दो, थोड़ी हाइट दे दो उसको। नहीं वो ऐसे ही घटना जा रहा है, नहीं नजर नहीं आएगा हाइट। हाँ अच्छा, कुछ है
तो भट्ट साहब लंबे टाइम के बाद हॉरर आप ला रहे हैं, काफी डरावना है, तो बताइए जरा कि कैसा रहा एक्सपीरियंस एंड 1920 के बारे में बताइए, क्या देखने को मिलेगा हमें इस बार? देखिए ये मेरा सौभाग्य है कि लेफ्ट में ये नौजवान हीरोइन है जिसकी झलक आप देख चुके हैं पहले छोटे पर्दे पर, अब बड़े पर्दे पर। राइट पे ये नौजवान डायरेक्टर हैं जो आज की इस नई पीढ़ी को रिप्रेजेंट करती हैं, और वहाँ पर मुझसे भी ज़्यादा उम्र वाला विक्रम भट्ट है पूरा। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मैं 54 ईयर्स से इस पेशे में हूँ और ये 35 साल से है, तो मिल मिला के हम लोग 90 साल की जो मेमोरीज है और हमारे अनुभव को लेकर आए हैं, और इन बच्चों के हाथ में हमने अपनी जो सोच जो है सौंप दी है। और ये आज के दौर में आज की मौजूदा ऑडियंस की ज़रूरतों को महसूस कर कर उनके ईडियम में उनसे मुखातिब हो रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कोविड के बाद में एक सो कॉल्ड नॉन स्टार कास्ट टेंटपोल फिल्म को यहाँ तक लाना, सिनेमा हॉल तक पहुँचाना, वो सिर्फ हिंदी जबान में नहीं तमिल में और तेलुगु में, अपने आप में ये विक्रम की बहुत बड़ी जीत है, जिसके लिए मैं अक्सर अकेले में इसकी बहुत पीठ थपथपाता हूँ। मगर ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि आज की तारीख में आप लोग तो मौजूदा हालात से वाकिफ़ हैं, तो इसमें ये बनाकर आपके सामने ये पेश करना और फिर आपसे ये तालियां सुनना, इसमें इसको महसूस करके ही मेरा पेट भर गया बस। और बाकी फिल्म के बारे में और उसके मेकिंग के बारे में राइटली सवाल कृष्णा जी से पूछना चाहिए, एक्टिंग के बारे में जो है हमारी जो की प्रोटैगनिस्ट हैं इनसे पूछना चाहिए वैकर जी से, और बाकी जो है ये एक टेक्निकल लीप इन्होंने जो लिया है कोविड के टाइम पर, बोलते हैं ना कि बहुत बुरे वक्त में ही बहुत कमाल का खजाना हासिल होता है, तो ये इस बच्चे की मैं तारीफ जितनी करूं कम है कि इसने कोविड के वक्त में हथियार नहीं फेंके, मगर बहुत एक साधना की है और एक नई टेक्नोलॉजी से अपने आप को जोड़ा है और फिर अपने आप को पूरी तरह रेलिवेंट बनाकर उसने ये आपको एक झलक दिखाई है जिसको आप आज नहीं 23 तारीख को देखेंगे, उसके बाद में आपकी वर्डिक्स आंखों पर, मगर हमारा सफ़र यहाँ तक बहुत ही एक एक्साइटिंग रहा, हाँ चैलेंजिंग रहा, क्योंकि आसान नहीं है, ख़ास करके इस माहौल में जहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है, एक भय है माहौल में कि ऑडियंस आती नहीं है, ऐसे दौर में एक फिल्म बनाना और फिर सिनेमा तक पहुंचाना ये अपने आप में एक मेजर मेजर विक्ट्री है इस मीडियम के लिए। मगर सच बात तो ये है कि 1920 जो अपने आप में एक फ्रेंचाइज है उसके एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ा एक स्टार है 1920, तो उसके सहारे के बगैर शायद यहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते। कृष्णा आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पिता जो है वो खौफ के फिल्मों के बादशाह माने जाते हैं, और अभी के संगत में मुझे लगता है कि इस बादशाह की बादशाहत को आगे बढ़ाने के लिए ये राजकुमारी बात चुकी है, वापसी को लेकर कैसे इंटरेस्ट जागा और इस फिल्म के बारे में आपने सोचा, कुछ इस बारे में बताइए। आई थिंक चैलेंजिंग था, चैलेंजिंग सो आई थिंक कि बिकॉज डैड इज The king of horror, तो when dad and Mahesh uncle said कि आपको बनानी चाहिए 1920, I was kind of scared कि वैसे भी I will be compared to Vikram Bhatt and now I will be compared to Vikram Bhatt even more, but when I think when we wrote the story, I felt I could make it, and I think when you see the product it gives me and when you all clapped, मुझे ऐसा लगा कि I kind of succeeded in making my father proud, which was really important to me. अब तक सिर्फ 10 मिनट देखे हैं। So I think कि in 10 minutes if they felt that I could reach my dad's level, तो I hope कि on the 23rd of June everyone applauds me more than they applaud dad in horror. अभिका आपसे मुश्किल है क्योंकि आप जब आप अपने आप को like
दूसरी का बेटा मैं कब थी भूतिया लुक पहली बार काम कर रहे हो हॉरर जॉनर की फर्स्ट टाइम ही कर रहे हो तो आपको अभी भी बालिका वधू की आनंद वो ही देखने को आता है बट आप आके आके आप अपना एक अलग एक रूप दिखा रहे आपकी एक्टिंग एक दिखा रहे तो वो चैलेंजिंग कैसे था एंड हॉरर फिल्म करना इज ऑब्वियसली नॉट इजी क्योंकि आप उस दौर में रहते हैं तो ये सब प्रोसेस कैसे बहुत एक्साइटिंग था बहुत मजा आया क्योंकि सेट पर हर रोज कुछ नया सीखने मिल रहा था टेक्निकली भी बहुत कुछ नई चीजें हो रही थी जो 14-15 साल में मैंने कभी नहीं देखी थी तो मेरे लिए वो बहुत ही इट वाज लाइक अ चाइल्ड इन अ कैंडी स्टोर कि कुछ नया कुछ दिखने मिल रहा है एक्साइटिंग सा हो रहा है सो बहुत ज़्यादा मज़ा आया पूरे प्रोसेस में और रही बात स्पेसिफिकली एक हॉरर फिल्म का पार्ट होना मैंने एक हॉरर कॉमेडी की है लेकिन दिस इज़ नॉट इवन क्लोज क्योंकि एक जब सीरियस हॉरर होता है वो एक सेट का माहौल बहुत डिफरेंट होता है वो सीन्स बहुत डिफरेंट होते हैं तो मेरे लिए ये सब कुछ बहुत नया था एंड व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी दैट आई गॉट इन सब के साथ काम करने का मौका आई थिंक इससे बेहतर फिल्म एज अ परफॉर्मर एज एन एक्टर मुझे नहीं मिल सकता था क्योंकि ये इसमें मैंने बहुत कुछ वेरिएशंस किए हैं एज एन एक्टर आई थिंक ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आपको एक ऐसा किरदार मिले जिसमें आपको मौका मिले ये करने का एंड आई थिंक इट इज़ अ ब्लेसिंग कि मुझे ये चांस मिला विक्रम सर आपसे मेरा सवाल है जब भी हम बात करती है हॉरर की तो आपका जॉनर एकदम अलग हटके है वो सीन्स आपको बिल्कुल क्लियर होता है कि किस सीन पे लोग धक्का खाएंगे और डरेंगे इतने सालों से आप सर कर रहे हैं तो कोई ऐसे टिप्स थे जो आपने इनको दिया कि चलो आप बना रहे हो और क्योंकि सबको पता है कि अब ये बनाएंगे तो फिर आपसे जुड़े हुए कुछ टिप्स भी कैरी फॉरवर्ड होंगे पहला झटका तो मुझे ये मिला कि कृष्णा ने मुझे बोला कि आप सेट पे नहीं आएंगे बड़ा झटका लगा मुझे फिर मैं चोरी छुपे क्योंकि नेक्स्ट स्टूडियो में मेरी शूटिंग चल रही थी तो कभी कभी जाता था तो ऐसा माहौल था एक बार कि शूटिंग चल रही है लोग सजेशन देते हैं सबकी सुनती है बाप की नहीं सुनती मैंने जब बोला कुछ then why don't you direct it? ये तो बड़ी स्ट्रिक्ट है मैं मतलब कोई और सजेशन दे तो ठीक मैं दूं तो नहीं बट साहब ने बोला तुम निकल जाए यार वहां से क्योंकि मैं तेरी शूटिंग पे आता था नहीं नहीं फिर ये बात तो है तो फिर मैं निकल गया वहां से मगर कुल मिला के मुझे लगता है कि ये सारा जो शूट किया है वो देखो कृष्णा की जो हॉरर की समझ है वो मेरे सेट पे रही है हॉन्टेड 3D जो बन रही थी तब से मेरी असिस्टेंट रही है पहली 1920 जब थी तब पहली बार वो एडिटिंग के लिए आई मुझे याद है कि वो पहली 1920 में एक सीन था जब वो अदा शर्मा जो है वो बिल्ली खाती है तो वो बिल्ली खाने का आवाज़ करना था तो ये बड़ी एक्साइट होगी पापा हाउ आर यू गोइंग टू डू इट तो वो तरबूज था वाटरमेलन उसको खाने का साउंड बना रहा था मैं मुझे अभी भी याद है वहाँ स्टूल पे बैठे बैठे देख रही थी कि उसकी आंखों में साफ था उस दिन के एक दिन ना मैं भी ऐसा करने वाली हूँ और आज वो दिन आ गया है तो एक 1920 से दूसरे 1920 तक का एक लंबा सफ़र है जो कृष्णा ने तय किया है मैंने और उसकी हॉरर की समझ मेरी हॉरर की समझ से काफ़ी अलग है तो भले ही साल 1920 है लेकिन पिक्चर बड़ी अलग सी विक्रम सर महेश सर आपके लिए भी जो मेरी दर्शक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है जॉनर की आई थिंक नॉर्मली ऑब्वियसली टू गेट द फैमिली ऑडियंस और फिर उसे एक UA सर्टिफिकेशन लाना आई थिंक ज़्यादातर हॉरर फिल्मों को A सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसके कारण फिर वो इवनिंग शोज करते हैं और लोग रात को भूत की फिल्म देखना डरते हैं तो इस चीज़ पर कुछ कहेंगे कि मतलब वो बैलेंस लाना बहुत कितना मुश्किल रहता है देखिए एक तो कहानी के अनोखी बात यह है कि
एक फैमिली ड्रामा में एक हॉरर का ईडियम जो है हमने पिरोया है, और ये अपने आप में एक मेजर डिपार्चर है, क्योंकि हम दोनों की एक बहुत बड़ी जीत हुई थी जब हमने राज बनाई थी 2000 की शुरुआत में। उसके बाद में इन्होंने राज 3 में भी बॉक्स ऑफिस पे तहलका मचाया था, तो वो कहीं पर लव स्टोरी जो है वो एक फंडामेंटल नैरेटिव आर्टरी थी। ये एक फैमिली के ड्रामा के बीच में हमने ये कहानी कही है। ऐसा लगता है जो लोग देखते हैं कि ये हमारे घरों की कहानी है, क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स हैं, माँ है, बाप है, मरहूम बाप है, सौतेला बाप है, बहन है, और उसके बीच में एक सौतेली आती है, मगर वो एक अलग मकसद से आती है, और उसका जो उसकी जो इस उसकी जो एक नफरत है अपनी माँ को लेकर, वो एक कहानी की एक अनोखी शुरुआत है। तो अपने आप में एक फैमिली ड्रामा है इसके अंदर। वो जब लोग देखते हैं, अब तक हमने जितनी स्क्रीनिंग की है, तो लोग हॉरर का तो है, विक्रम इज अ किंग ऑफ दिस मीडियम, मगर जब लोग आते हैं यहाँ पर जो पैसा लगा के आए हैं, जो आके इमोशनल लोग की तारीफ करते हैं, तो लगता है कि हमसे भी कुछ एक तार छिड़ गया है, जिसके लिए यह बच्ची जिम्मेदार है, क्योंकि ये इमोशनल कंपोनेंट जो है ना, वो कहीं पर इसके दिल से उस हमने ड्रॉ किया है, क्योंकि ये जब पूरे हमारे राइटिंग रूम को सुपरवाइज करती थी, तो हम इसकी सेंसिबिलिटी को फॉलो करते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, और ये कहना चाहूँगा बहुत जिम्मेदारी से, कि रिवर्स मेंटरिंग का दौर शुरू हो गया है। एक मेंटरिंग होती थी जहाँ बस बड़ा सिखाता था बच्चों को, आज हमें पूरी ह्यूमिलिटी के साथ में बच्चों से सीखना चाहिए। हमसे बच्चे आज की जबान में कुछ बातें बोल रहे हैं, अगर हमारे में वो ह्यूमिलिटी होगी, हम वहाँ एक जहन होगा खुला हुआ, तो फिर जाके 1920 जैसी एक अनोखी फिल्म बनती है, जिसमें वक्त की अजीब की स्ट्रीम्स का मिश्रण है। जैसे मैंने कहा कि मैं 54 ईयर्स से हूँ इस पेशे में, 20 साल की उम्र में हमने प्रवेश किया था, ये 35 साल से है। अब ये बच्ची है, इनकी एनर्जी जब आके जुड़ती है, तो जब रंग ऐसे मिलते हैं वक्त के, तो ये बनता है। तो ये हम ये ग्रुप अचीवमेंट है, और ये अपने आप में मुझे लगता है कि व्हेन द वर्ल्ड गेट्स अराउंड कि ये फैमिली ड्रामा, जैसे विदेश में आई थी एग्जॉर्सिस्ट और ओमेन, वो बेसिकली फैमिली ड्रामा थे। वो उसमें घर में एक आतंक का माहौल था, कि एक घर में आके जो है जब एक अजीब सी उलझन आ जाती है, तो घर को लगता है कि यार ये, और हमारे मुल्क में तो खास करके हर परिवार में ये भय बैठा हुआ है कि हमारे बच्चे के साथ कुछ हो गया, तो किसी ने जादू टोना कर दिया, तो ये बेसिक एलिमेंटल फियर है जिसको इस बच्ची ने हमारे राइटिंग रूम में हमारे दिलों से ड्रॉ किया है। बाकी ये बताएंगे, और मार्केटिंग के यूए और तो यूए का मसला ये है कि हॉरर फिल्म को कभी यूए नहीं होनी चाहिए, कि जब लोग हॉरर फिल्म में यूए देखते हैं ना, वो तो चट डरावनी नहीं होगी, वरना तो ये मिल सके। तो हमारे लिए उल्टा मार्केटिंग है, यूए करना हमारे लिए बहुत खराब बात है। हम लोग तो अप्लाई ए के लिए करते हैं, और हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर भी बोलते हैं सर यूए नहीं है ना, नहीं नहीं ए है, ओके सर, वेरी गुड, क्योंकि ऐसा नहीं, वो तो अमेरिका में ऐसा होता है, यहाँ पे तो जितने स्क्रीन हैं उतने मिल जाते हैं, मगर यहाँ पे ये भी है ना कि आपके आगे पिक्चर कौन सी है, आपके बाद पिक्चर कौन सी है, कौन सी चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है। अब तो फॉरेन फिल्म्स का भी एक दबाव है कि हर महीने 2-3 बड़ी फॉरेन फिल्म्स भी आ जाती है, और रह रहकर वो हर लैंग्वेज में डब भी हो जाती है। तो पहले तो हमें बड़ी हिंदी फिल्मों से बचना पड़ता था, अभी फॉरेन फिल्मों से भी बचना पड़ रहा है। लेकिन इस फिल्म में अच्छी बात यह है कि
हम भी पीछे नहीं हटे, हमने कहा कि फॉरेन फिल्म कर सकते हैं तो हम भी नहीं कर सकते, तो हम भी आपने जैसे वहाँ पढ़ा है तमिल में भी रिलीज़ करेंगे, तेलुगु में भी रिलीज़ करेंगे, भाईचारा बढ़ाएंगे, तो बाकी लोग करेंगे तो हम पीछे तो हटेंगे नहीं। तो ये है, यही सवाल था मुझे देखे। सर जैसे कि आपने कहा कि तमिल और तेलुगु वाली बात, तो मैं जानना चाहूंगी बिगिनिंग से ही ये डिसाइडेड था कि इसको तमिल तेलुगु में रिलीज करना है, क्या उसी को मद्देनजर रखकर अभिभा को यू नो कास्ट किया गया है, तो इस बारे में क्या कहना? मेरे को पता नहीं था कि अभिका साउथ इंडियन फिल्म्स करती है, जब उसने पिक्चर साइन की मुझे लगा कि बालिका वधू के बाद इसने एक्टिंग बंद कर दी और ये सच बात है, तो मैंने कहा अच्छा बालिका वधू में आती थी, बोलता हाँ। फिर मुझे पता चला कि अरे ये तो जाके साउथ की क्वीन बन चुकी हैं, तेलुगु फिल्में करती हैं। तो खैर ये बात तो ज़रूर है कि अभिका का फिल्म में होना अपने तमिल और तेलुगु में इट वुड बी अ वेरी बिग प्लस फॉर अस। लेकिन मैं तो ये फिल्म हर लैंग्वेज में रिलीज़ करना चाह रहा था, लेकिन वो टेक्निक अभी तक हमने प्रॉपरली फाइनलाइज नहीं की है, लेकिन बहुत जल्द आप देखेंगे कि हर फिल्म हर लैंग्वेज में रिलीज होगी। So as a young filmmaker, if you are filmer ke bataur pe aap you know how do you think that you know the youth perceives horror you know in India and also the international? Good question, very good. You know, I think that every generation perceives a film in a different way. I think as you grow, cinema is also growing. Jaise ki 100 saal pehle and abhi ka jo cinema hai, it's very different. जब आई हैड सीन अ शो अ हॉरर फिल्म जो मैंने आई थिंक देखी थी कोविड के टाइम, एंड वहाँ मैंने देखा कि वाइल देर इज़ अ लॉट ऑफ हॉरर, सिर्फ हॉरर 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 नहीं है, देर इज़ ऑल्सो अ स्टोरी, देर इज़ ऑल्सो इमोशन, देर इज़ ऑल्सो अ मदर डॉटर अ फादर डॉटर अ सिस्टर स्टोरी। तो आई थिंक कि जब हम लोग वो वेन वी इम्बाइब यू नो एन इमोशनल स्पाइन in a horror film, you add to it, you don't ever subtract from the story. So that's what we've tried to do 1920 mein, ki hum logo ne ek emotional spine bhi dali hai and we have a horror film also which is catering to both the sensibilities. Like outside obviously your own family, which are the horror films which have been sent a chill down your spine? I think there is one show that maine dekha tha, it's called Exorcist. जो एग्जॉसिस्ट फिल्म पे निर्भर थी, पर इट वॉज सो स्कैरी एंड सो इमोशनल एट द सेम टाइम कि दैट वॉज व्हेन आई रियलाइज कि अ हॉरर फिल्म एंड एन इमोशनल फिल्म कैन बी मेड इनटू वन, इट्स नॉट नेसेसरी कि दोनों को सेपरेट रखना चाहिए। आज कहीं लगता है शायद जो फीचर ड्रामा है, फीचर हॉरर है, वो थोड़ा आगे आ गया है ऑब्वियसली एडेड बाय टेक्नोलॉजी, और शायद वेदर इज डायनासोर यू नो और एनी अदर क्रोकोडाइल और या मेग या चीते कुछ India. Yeah, see, that is because a creature can also make you feel scary. You know, it is also make anything that makes you scared is horror. Actually, I think agar koi alien attack ho raha hai ya koi creature aapke piche bhag raha hai, as long as it's a threat to your life, it's scary. And I think ki that is good ki cinema is growing enough that we are you know kind of experimenting with different kinds of horror. Otherwise, cinema काफी boring हो जाता है. So it's a good thing, I think. ये जॉनर का बड़ा tough phase से गुजरा है शायद पिछले when the last decade or so. Only there is become sir है. This as a viewer I feel, you know, it's very tough. The dwarf obviously Ramsay परिवार थे, वही करते थे. और फिर I think you guys revived it. Thank you so much for that. Thank you. Thank you. Thank you so much. I feel it. This genre has a great recall value. मेरे ख्याल में एज यू एज विक्रम बार बार एक ही बात कह रहा था मुझे कि ऑडियंस को हॉरर जॉनर से ये यकीन हो जाता कि एक एक्साइटिंग कंटेंट देखने जा रहे हैं, और जब आप एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस प्रॉमिस करते हैं और उसमें एक स्पेक्टेकल जो कल तक तो सिर्फ स्टार्स कास्ट जो होती थी इस फिल्म में, जो बहुत बड़े स्टार्स होते थे उनको लेकर ही आप इस किस्म का एक वातावरण माहौल
इस किस्म के सेट्स, इस किस्म की स्पेशल ग्रैंडियर जो है, थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी दैट नाउ इज एक्सेसिबल टू द टैलेंट ऑफ टुडे, कि ये 1920 में जो एक मैरिज है ऑफ द लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी ऑफ अनरियल इंजन एंड आई थिंक दैट कंबाइंड विद अ वेरी बेसिक अर्थी हॉरर स्टोरी विद अ फैमिली, क्योंकि देखिए तमिल और तेलुगु की ऑडियंस बहुत ही क्लियर है. इस तमिल फिल्में जो हैं वो बिल्कुल आई मीन जहाँ पर कथकली भरतनाट्यम का एक 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 ओवर द बोर्ड जिसको सटल सिनेमा वाले बोलते हैं वो इसके नज़दीक नहीं आते अगर वो रूटेड नहीं होता. तो आई थिंक इट्स रूटेड इन द फैमिली एंड इट हैज़ गॉट स्पेक्टेकल. तो आई थिंक दैट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन. हम अपोलोजेटिक महसूस नहीं कर रहे थे जब आप लोग देख रहे थे, नहीं तो लगता है कि आप कहाँ छोटी फिल्म देखने आ गए हैं, मगर आपको देखते हुए लगा कि ये कुछ खुला खुला सा है, ये इट्स अ बिग फ्रेम, इट्स अ लार्जर देन लाइफ फ्रेम. तो जब एक स्मॉल टाउन में टू टाइटियस शहर में आप एक फाइव स्टार होटल खोलते हैं एट अ प्राइस विच इज़ अफोर्डेबल, दैट बिकम्स अ वेरी मेजर अट्रैक्शन. It can't be only restricted to the metros where the high class elite can afford it. This should be available to the people of India who are the heartbeat of this country, and we respectfully are making films with the spectacle and the story that they understand. You know, जो हम तो भैया केटी गैलेक्सी जो हमारे लिए मापदंड था कि हम 3 बजे का शो जाके देखते थे और 3 बजे के शो में अगर स्टॉल से ताली बजती थी हमको लगता था कि भैया के अब 5 साल और हम फिल्म बना पाएंगे. तो कुछ इस सेंसिबिलिटी को हमने अब बिल्कुल अनशेमडली अप्रोच किया है और हमको लगता है कि वी हैव हिट द बुलसाई. बट साहब मेरा सवाल, जब रात से जो हॉरर फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ सबसे लगातार चली आ रहा है, तो ट्रिक पॉइंट क्या था, कब लगा कि आपको इस जॉनर की फिल्में बनानी चाहिए? देखिए मरता क्या नहीं करता, कोविड ने लाके बिल्कुल शमशान घाट के दरवाजे पे खड़ा ही कर दिया था. ऐसे में इस बच्चे ने जाकर अपनी जादू की छड़ी निकाली, बिल्कुल अनरियल इंजन. अब हमारे खुद ऑफिस में जो हमारे जो सीनियर कलीग्स थे उनको भी डाउट था कि ये क्या बोलता है विक्रम, ये बोली क्या है. वी आर वेरी चेंज अवर्स, हम चेंज को इतने वायलेंटली अपना हेट करते हैं कि हम दो एक बहादुर कोई व्यक्ति होता है वो क्रीज से निकल के खेलना चाहता है उसको खेलने ही देते. तो हमको जब ये एक टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिला तो हमने ये सोचा कि हमारे पास एक स्टार है, हमारी कहानी कहने की क्षमता. और हमारी शुरुआत तो भाई नॉन स्टारकास्ट फिल्म से ही हुई थी ना, जब हमने राज बनाई थी तो उस वक्त ये दौर था कि सिर्फ स्टारकास्ट की फिल्में चलती हैं. ऐसे में हमने दीनो मोरिया जी के साथ में और बिपाशा जी के साथ में दो नॉट बिग स्टार्स, हॉरर मीडियम के साथ में हमने ये कहा कि जता दिया अपने आप को पहले कि आखिरकार लोग फिल्में ही देखते हैं. तो एक कहानी की सिग्निफिकेंस और एक फ्रेंचाइज का सपोर्ट दुनिया भर में, वेदर इट इज नेटफ्लिक्स, HBO, Amazon, ये सब जो है आज मेन स्ट्रीम मास को वो कर रहे हैं. वो बोलते हैं सब हो गया बहुत, हमको एक आर्ट हाउस सिनेमा नहीं बनाना है अभी, क्योंकि नंबर्स, एवरीबडी वॉन्ट्स नंबर्स. तो हमको 1920 क्योंकि बहुत कामयाब एक फ्रेंचाइज रही थी, उसको हमको लगा कि वो एक तिनके का सहारा जो होता है तो हमने उसको बिल्कुल हाथ उसका हमने थाम लिया और चलते चलते आज आपके सामने बैठे. सर आपका कुछ अनुभव है हॉरर, कोई ऐसे हादसे या कुछ ऐसे आपने तो कुछ अनुभव किया होगा, कुछ ऐसी आत्माओं कोई अनुभव आप लोगों का? मैं ये जरा खामोश,
हाँ आपका सवाल जरा हॉरर्स ऑफ द हार्ट है लाइन, मुझे वो हॉरर जो है ज्यादा से डर लगता है जो हमारे घरों में एक द्वंद्व जुझलता है, आपसी रिश्तों में जो हम एक दूसरे पे जुल्म बरसाते हैं या हम घर घर में दरारें देखते हैं, तो वो अपने आप में मेरे लिए वो हॉरर है। बाकी एक लार्ज सेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी है जो ये अननोन से बड़े डरती है। जैसे हमने दास के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था, किसी ने हमसे पूछा था कि आप तो सारांश बनाने वाले हैं, अर्थ बनाने वाले हैं, डैडी बनाने वाले हैं, आप कैसे ये हॉरर फिल्म को ऐसी सुपरस्टिशियस बातों से जुड़ गए। तो मैंने कहा इफ़ यू बिलीव इन गॉड यू विल बिलीव इन द डेविल, क्योंकि अगर आपने क्या डेविल को देखा है, तो मैंने कहा भैया आपने डेविल को नहीं देखा, क्या आपने गॉड को देखा है तो नहीं, तो आई थिंक यू मस्ट गिव मी द राइट टू फील। वो कहीं पर जैसे इस बच्ची ने कहा, डर जो है हॉरर जो है वो आपकी बेसिक सर्वाइवल इम्पल्स पे से जुड़ा हुआ है। तो मेरे लिए हॉरर ऑफ द हार्ट जो है वो ज़्यादा मायने रखता है। बट द एडियम टू कीप यू एक्साइटेड, नहीं तो 10 मिनट आपको जुड़ना जो है बिना आपके फ़ोन को देखे हुए, ये आसान काम है नहीं। नहीं क्यों, नहीं 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 करना। मुझे बहुत डर लगता है, मैं हॉरर फिल्म्स देखने से भी बहुत ऐसे डरती रहती हूँ, और फिर भी देखती हूँ ऐसे ब्लैंकेट में छुप छुप कर। तो मैं नहीं चाहती मेरे से ये सब कुछ हो, प्लीज़। थैंक यू, अमेजिंग, बहुत क्लैरिटी है। और जब वो मुझे कोई भी शॉट समझाती थी, मुझे बिल्कुल ईजीली समझ आता था, और ऐसा नहीं लगता था कि वुड आई बी एबल टू डू दिस और नो, क्योंकि उनका जो मुझ में कॉन्फिडेंस था वो बहुत ज़्यादा था। और आई थिंक वो पहले जो मेरा नरेशन हुआ विक्रम जी के साथ, और जो नरेशन में उन्होंने एंड में मुझे पूछा डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, एंड आई आस्क्ड हिम वन क्वेश्चन एंड दैट वाज व्हाई मी, मैं क्यों इस कैरेक्टर के लिए, एंड व्हाई डू यू थिंक आई कैन पुल दिस ऑफ, एंड ही सेड बिकॉज आई थिंक यू कैन। तो डे वन से इन सबका जो कॉन्फिडेंस है मुझ में, आई थिंक दैट मेड इट वेरी इजी फॉर मी, और काफ़ी एफर्टलेस शूट रहा है, और लाइक आई सेड काफ़ी मज़ा आया। अविका, जो आपको जानते हैं पर्सनली, अविका की फैमिली और बाकी लोग हैं, वो जानते हैं कि आप डर रहे हो, जैसा आपने बताया कि मैं तो देखती भी नहीं हूँ, लेकिन जब उनको आपने ये भेजा होगा या आपने दिखाया होगा या बताया होगा, तो उनका क्या रिस्पॉन्स था, कि वो तो आपको जानते हैं। आई वुड लाइक टू करेक्ट यू, ऐसे मैं देखती हूँ ब्लैंकेट में छुप छुप कर। तो ये मेरे घर वालों को डेफिनेटली पता है, और उन्होंने जब ये सारी ट्रेलर सॉन्ग्स ये सब देखे, आई थिंक द ओनली रिएक्शन वॉज की तो बहुत सुंदर लग रही है, और स्टोरी बहुत मीनिंगफुल है, सो एवरीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड ऑफ कोर्स द सॉन्ग्स आर अमेजिंग। कृष्णा को ये चाहिए था कि जितना सेट पर हो सके उतना वो करना चाहे, तो वो चाह रही थी कि वरना ज्यादातर ग्रीन स्क्रीन बहुत होता है, तो एक्टर जो है उसको इमेजिन करना पड़ता है कि यहाँ पे क्या होगा। मतलब कृष्णा को ये चाहिए था कि सेट पर जितना हो सके उतना प्रोस्थेटिक लगा के, या जितना नॉन वीएफएक्स जो इन कैमरा कहते हैं वो करें, तो काफ़ी हद तक तो हमने ऐसा ही किया है। बाकी ये कहानी जो है वो पजेशन की कहानी है, पजेशन की कहानी में तो जैसे आपने देखा भी कि बच्ची के अंदर आत्मा चली जाती है, तो अब तो बच्ची अपने आप में ही भूत बन गई है, नहीं क्या वीएफएक्स करेंगे हम, खुद ही जो है वो कर रही है ना। तो फिनिश किया ओके, तो भैया जिसने नहीं, अरे यार बस कर यार, आखिरी सवाल, हां आप पूछ लो ऐसा क्या हो रहा है, 1920 की बात हो रही है, और एक फिल्म आई है द केरला स्टोरी,
ए उसका पब्लिसिटी हम नहीं करेंगे, तू जाके ऊपर देख ले। नहीं 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 जोड़ने की कोशिश मत कर। कुछ कहना चाहते हैं? नहीं 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 देखिए, आई रिस्पेक्ट योर राइट टू आस्क मी दिस क्वेश्चन, नाउ यू मस्ट रिस्पेक्ट माई राइट नॉट टू आंसर दिस क्वेश्चन। क्योंकि क्या, देखिए हमारे पास बहुत छोटा बजट होता है मार्केटिंग का, ये नॉन स्टार कास्ट फिल्म है, तो हम इस वार्ता को कोई अदर इश्यू से नहीं जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ये इंटरेक्शन जो हमारा है इसमें सिर्फ आप 1920 द हॉरर ऑफ द हार्ट का ही जिक्र करें, इस बच्ची का जिक्र करें, इसका जिक्र करें, इसका जिक्र करें, मेरा ना करें चलेगा, मगर ये हमारा तो बड़ा जरूरी हमारा सिंपल, दिस इज कॉल्ड फोकस्ड मार्केटिंग। तो मैं, आई रिस्पेक्ट योर राइट टू आस्क मी एनी क्वेश्चन, बट आई प्लीज आस्क यू टू गिव मी द राइट एंड यू मस्ट रिस्पेक्ट माई राइट नॉट टू आंसर एनी एंड एवरी क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। विनोद, विनोद भाई जाने का ऊपर, वीर वीर को वीर क्लोज सोलो नहीं, सोलो सोलो, सोलो सोलो, अरे नहीं नहीं अभी चलेगा, अभी हो गया, आप सामने खड़ा पोस्टर तो दिया पे, इधर देखिए मेरा जो तामिल वो सेंटर में सेंटर, हाँ यहाँ पे अभी आपके राइट लेफ्ट में, लेफ्ट में, लेफ्ट में, यहाँ पे इधर रुकिए, देखिए यहाँ पे राइट में, हाँ राइट में सेंटर में, आपके लेफ्ट में, सोलो सोलो, चलो सिंगल सिंगल, अभी हाँ जी मैडम, हाँ मैडम जी, अभी रुकिए, मैडम इधर देखिए, मैडम जी मैडम इधर देखो, हाँ मैम राइट मैडम सेंटर में देखिए, सेंटर इधर, हाँ थैंक यू, आइए आइए मैम, आइए हाँ इधर देखिए, आइए विनोद, विनोद भाई जाने का ऊपर, वीर वीर को वीर क्लोज सोलो नहीं, सोलो सोलो, सोलो सोलो, अरे नहीं अभी चलेगा, अभी हो गया, आप सामने खड़ा पोस्टर तो दिया पे, इधर देखिए मेरा जो तामिल वो सेंटर में सेंटर, हाँ यहाँ पे अभी आपके राइट लेफ्ट में, लेफ्ट में, लेफ्ट में, यहाँ पे इधर रुकिए, देखिए यहाँ पे राइट में, हाँ राइट में सेंटर में, मैंने आपके लेफ्ट में, सोलो सोलो, चलो सोलो सोलो, सिंगल सिंगल, अभी हाँ जी मैडम, हाँ मैडम जी, अभी रुकिए, मैडम इधर देखिए, मैडम जी मैडम इधर देखो, हाँ मैम राइट मैडम सेंटर में देखिए, सेंटर इधर, हाँ थैंक यू, अभी आइए मैम, हाँ आइए, हाँ मैडम आइए, बोलो पीसी चालू हो रही है,
मैडम इधर देखिए मैडम, यार मैम मैम आपके देख में यहाँ पे मैडम यहाँ पे मैडम जी इधर लुक तो मैडम आइए बोलो बिजी चलो मैडम जी इधर देखिए मैडम यार यार मैम मैम आपके देख में यहाँ पे मैडम यहाँ पे मैडम जी इधर लुक तो थैंक यू